प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फरीदाबाद से। आपको बता दें कि फरीदाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई और कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि फरीदाबाद के लघु सचिवालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन किया। हालांकि बड़ी बात तो ये रही कि कृषि कानूनों को लेकर जब इन कार्यकर्ताओं से सवाल पूछा गया तो ये लोग यहाँ पर बचते हुए नजर आए। और इसके अलावा इन लोगों की अलग अलग दलीलें भी यहाँ पर सुनने को मिली। आपको बता दें कि जो दलीलें इन लोगों के द्वारा दी गई उस पर ये प्रदर्शनकारी एक मत नजर नहीं आए। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये पूरा प्रदर्शन पूर्व कांग्रेसी विधायक आनंद के नेतृत्व में किया गया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फरीदाबाद में आज के दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर जब इन कार्यकर्ताओं से सवाल पूछा गया तो ये प्रदर्शनकारी बचते हुए नजर आए। और कानूनों को लेकर इन लोगों की अलग अलग दलीलें सुनने को मिली और अपनी इन दलीलों पर ये प्रदर्शनकारी कांग्रेसी एक मत नजर नहीं आए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है इन प्रदर्शनकारियों का। सर, ये कृषि कानून क्या है, लोग समझना चाह रहे हैं क्या है कृषि कानून, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो प्रदर्शन करने में जो बातें चल रही है इसमें समझ की भी बातों की वजह से है। कुछ साफ साफ लोगों को, पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है कौन सा कानून मेरे हित का है और कौन सा कानून अनहित का है। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं है कृषि कानून क्या है पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? लोग प्रदर्शन करते हैं और इनके जो प्रदर्शन है ये साफ साफ है कि ये जो रसोई का गैस है और ये व्यवस्था है, ये रसोई गैस और ये सारा कृषि कानून में आता है। तो टोटल सोशल पब्लिक तो उसमें साथ होगा ही ना। दूसरी ये जो फंसे हुए प्रवासी लोग हैं कानकर, उन पर अत्याचार हो रहा है, ये रुकना चाहिए। ये कृषि कानून है का जो प्रवासी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, ये कृषि कानून में आ रहा है? नहीं, कृषि कानून में